हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस ऑसम वीडियो में मैं आपके लिए एक्सेल का एक नया लॉजिकल फॉर्मूला लेकर आया हूं और उस फॉर्मूले का नाम है और। ओ आर यानी कि और एक ऐसा लॉजिकल फॉर्मूला होता है जो कि आपको मल्टीपल कंडीशंस पर आंसर लाने में हेल्प करता है। इसका मतलब कि अगर आपके पास एक्सेल के अंदर मोर देन वन कंडीशन है और उनमें से कोई भी एक कंडीशन मैच करती है तो उसके लिए और फॉर्मूला ट्रू आंसर लेकर आता है। ये कैसे काम करता है ये चीज हम सीखें, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं और मैं हमेशा आपको सिखाता रहता हूं कुछ नई चीजें, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिसको सीखने के बाद आपको लगे कि हाँ आज मैंने कुछ नया सीखा। तो चलिए आज भी हम कुछ नया सीखते हैं और जब आप ये चीजें सीख लें और आपको पसंद आ जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूं अपने इस चैनल पर तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उसके लिए मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है जहां पर एक सीरियल नंबर है 1 से लेकर 10 तक और कुछ नाम है यहां पर जो कि आप देख सकते हैं, राज, राहुल, रवि और भी मेरे कुछ दोस्तों के नाम है जो एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने गए हैं और उनको क्या क्या एक्सपीरियंस है या नहीं है, कितने कितने का एक्सपीरियंस है और वो अपने जिस भी फील्ड के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो उसमें सर्टिफाइड है या नहीं है, ये चीज सारी जो है मैंने यहां पर लिखी हुई है। अब उस कंपनी के अंदर मेरा एक दोस्त है सनी जो कि एक इंटरव्यूअर बन गया है और वो अपनी कंपनी के अंदर कैंडिडेट्स की हायरिंग करता है। सो वो कहता है कि मैं आपकी इस कंपनी के अंदर जो आए हुए बंदे हैं उनका इंटरव्यू तभी लूंगा या उनको मैं हायर तभी करूंगा जब वो जिस फील्ड के अंदर हायरिंग की जा रही है उसके अंदर या तो वो सर्टिफाइड हो या फिर उनको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी जाकर मैं उनकी हायरिंग करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि मेरा दोस्त किन किन लोगों की हायरिंग करेगा और ये काम और फॉर्मूला की हेल्प से कैसे करेंगे। सो उसके लिए टाइप करते हैं यहां पर इज इक्वल टू ओ आर और ओ आर टाइप करते ही ओ आर से रिलेटेड एक डिस्क्रिप्शन आ चुका है कि चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, रिटर्न्स फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर फॉल्स। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि और फॉर्मूला अगर आप इसके अंदर जितनी भी कंडीशन देते हैं उनमें से अगर एक भी कंडीशन मैच करती है तो ही और फॉर्मूला उसके लिए ट्रू आंसर लाता है। अगर आप जितनी भी कंडीशन इसके अंदर देते हैं उनमें से एक भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो ही और फॉर्मूला उसके लिए फॉल्स लाता है। सो स्टार्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं और सबसे पहले पूछ रहा है लॉजिकल वन, तो मैं कहता हूं कि इस सेल के अंदर जाओ और चेक करो कि क्या इसको 3 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं, पहली कंडीशन मैंने दे दी कॉमा। अब दूसरी कंडीशन मैं देता हूं कि जाओ इस सेल के अंदर और चेक करो कि क्या ये सर्टिफाइड है या नहीं, ब्रैकेट क्लोज। दो कंडीशन मैंने अपने इस और फॉर्मूला से पूछ दी कि जाओ इस सेल के अंदर चेक करो कि क्या इसको 3 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं या फिर वो सर्टिफाइड है या नहीं। ऐसी आप बहुत सारी कंडीशन दे सकते हैं, आप जो है कम से कम इसके अंदर 255 कंडीशन दे सकते हैं, जैसे आप इफ और सॉरी एंड फॉर्मूला के अंदर जैसे 255 कंडीशन दे सकते हैं। सो ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं और आंसर आ गया फॉल्स। क्यों आया है? क्योंकि यहां पर जो मेरी कंडीशन थी वो ये थी कि कम से कम या तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर वो सर्टिफाइड हो, यहां पर उसकी दोनों ही कंडीशन मैच नहीं करती है इसलिए इसका आंसर आया फॉल्स। मैं कॉपी पेस्ट करता हूं ताकि आपको बाकी सबका रिजल्ट नजर आ जाए। यहां पर जो जो भी कंडीशन मैच करेगी उसके लिए आंसर और फॉर्मूला ट्रू लेकर आया। जैसे यहां पर इस ये सर्टिफाइड जरूर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको 3 साल का एक्सपीरियंस है। यहां पर इसको 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन ये सर्टिफाइड है, तो जो जो सर्टिफाइड है या उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है उसके लिए ट्रू फॉर्मूला सॉरी और फॉर्मूला ट्रू आंसर लेकर आया। यहां पर मैंने एक छोटी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की है जिसके अकॉर्डिंग जो जो भी पास कर जाता है या जो जो भी सिलेक्ट हो जाता है उसके लिए एक कंडीशन लग गई ब्लू कलर से, वो सेल हाईलाइट हो गया। ये कैसे हुआ है इसको मैं अपने आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वीडियोज में जरूर बताऊंगा। बहुत ही आसान फॉर्मूला और छोटा सा और ऑसम फॉर्मूला है और फॉर्मूला। मैं आपको दिखाता भी हूं कि ये और फॉर्मूला 255 कंडीशन तक जा सकता है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करें, जिस भी जहां पर भी आपने और फॉर्मूला लगाया हुआ उस सेल के ऊपर क्लिक करें और यहां पर ये एफएक्स देख रहे हैं आप, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि जो जो आपने कंडीशन उस और फॉर्मूला के अंदर पास की थी वो यहां पर आपको ग्राफिकली नजर आ जाएगी और उसके लिए
यहाँ पर, और फॉर्मूला की क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है वो भी यहाँ पर बता देगा, और साथ ही साथ कितने लॉजिकल फॉर्मूला आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं ये भी बता देगा। आप एक से लेकर 255 कंडीशन तक आप इस और फॉर्मूला के अंदर दे सकते हैं। ऑसम और कमाल का फॉर्मूला है। ओके कर देते हैं, आंसर आ गया। सो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि और फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेस्टेड और फॉर्मूला यूज करके दिखाऊंगा, जहां पर मैं आपको और फॉर्मूला को इफ फॉर्मूला के साथ जब यूज करूंगा तो ज्यादा जो है मजा आएगा आपको। सो तब तक के लिए गुड बाय।